तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। बेसिकली देखो, इसको करने के तो कई मेथड है, जैसे इरोडोम में किया गया, मैं उसे कर रहा हूँ कैलकुलस से। आप गॉस थ्योरम लगा सकते हो, फील्ड निकाल सकते हो, फिर एनर्जी निकाल सकते हो, फील्ड से फोर्स आ जाएगा, फिर एनर्जी आ जाएगा, और फिर डायरेक्ट इसको पॉइंट बना के बेसिकली पॉइंट वाला फार्मूला लगा दोगे, तभी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो देयर आर थ्री मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो है वो कैलकुलस है, तो मैं उससे कर रहा हूँ कैलकुलस से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहता है ये पॉइंट मास एम है, दिस इज द पॉइंट मास एम, और लोकेटेड ऑफ, ये जो मास है वो कैपिटल एम का, ध्यान रखना ये दिया नहीं है, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है इनके बीच का, ये वाला डिस्टेंस आर है। तो ये हम सॉलिड एस्पियर कंसीडर करेंगे, सॉलिड एस्पियर है भाई। जब तक बताएगा नहीं तब तक मैं सॉलिड एस्पियर, मतलब सॉलिड एस्पियर ही कंसीडर करूंगा, यूनिफॉर्म एस्पियर है। अब मास एम, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मतलब ये जो पार्टिकल छोटू एम है, ये जो छोटा एम है, ये जो छोटा एम है, ये वाला छोटा एम, इस छोटे एम के बीच और इनके बीच हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो देखो क्या लॉजिक मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो लॉजिक ये है कि ये पूरा जो सॉलिड है, ऐसे वैसे तो निकाल सकते हैं, बट अभी हम 12th लेवल पे बात करें, तो 12th लेवल पे हमें इसको सिंगल इंटीग्रेशन का यूज करने के लिए इस सॉलिड एस्पियर को मैं छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर देता हूँ। बात आ रही है समझ में? इस सॉलिड एस्पियर को मैं डिफरेंशियल सेल में डिवाइड कर देता हूँ, और वन सेल, ठीक है, वन एस्पिरिकल थीन सेल के बीच और इस पॉइंट मास के बीच में एनर्जी कैलकुलेशन करने में सक्सेस हो गया। तो बाकी मैं ऐसे ही छोटे छोटे सेल से मिल के बना होगा एस्पियर, और मैं जोड़ दूंगा तो मेरी बात बन जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे सेल से मिल के बना होगा, ऐसे सेल से, तो बाकी मैं जोड़ दूंगा तो मेरी बात बन जाएगी। तो हम एक सेल के बारे में सोचेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। तो पूरे सेल का, पूरे का मास कैपिटल एम था, तो जो वन सेल है उसका मास मैं स्मॉल एम लेता हूँ, मान लेता हूँ जो एक सेल है उसका मास मैं एम डैश ले लेता हूँ। ये है वन सेल, वन थीन सेल है, ठीक है, तो ये स्पेरिकल सेल है। अब इसके बीच में निकालूंगा, और ये स्पेरिकल सेल टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही है, तो ये जो है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो ये पूरी की पूरी जो ये वाली रेडियस है, दिस इज बेसिकली आर, मैं ले लिया हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वैसे आर पे डिपेंड नहीं करेगा, बात आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस सेल के अंदर ये जो एलिमेंट लिया हूँ मैं, ये एलिमेंट, ये एक डिफरेंशियल रिंग है, ये यहाँ से मैं कट करूँगा तो ये एक रिंग है, दिस इज द रिंग। तो सेल के अंदर जाके मैं रिंग ले लिया, तो अगर मैं रिंग ले लिया तो ये एंगल कुछ यहाँ पे देखोगे ये थीटा है, तो ये बहुत स्मॉल एंगल है डी थीटा। तो यहाँ से तुम देखोगे इस ट्राइंगल में अगर ये आर है तो ये वाला कितना आ जाएगा भाई, अगर ये आर है ये थीटा है तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, और ये जो रिंग है, रिंग का सेंटर सी है और रिंग की रेडियस स्मॉल आर मैं ले लेता हूँ, तो ये वाली स्मॉल आर कहीं आया तो नहीं था वेरिएबल, देखो तो नहीं स्मॉल आर आया था। तो एक काम करता हूँ मैं, ये एक्स ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, तो रिंग की रेडियस एक्स ले लेता हूँ, तो इस एक्स की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आर साइन थीटा। और ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट रिंग है इसमें कितना मास आया होगा, ये यहाँ से ये कितना आ जाएगा आर डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये लेंथ, ये रिंग है, तो रिंग को अगर मैं ओपन कर दूंगा, तो यहाँ से रिंग को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो ये रिंग की थिकनेस ये आ जाएगी आर डी थीटा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा 2 पाई एक्स इस रिंग की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस रिंग में छोटा मास डीएम आया होगा, तो मास सरफेस पे बिखरा हुआ है, तो मास पर यूनिट सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई इस छोटू एरिया, तो छोटू एरिया 2 पाई एक्स आर डी थीटा। तो यहाँ से मास एम डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2
यहाँ से 4 पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ से 2 पाई एक्स की वैल्यू रख दो आर साइन थीटा, और यहाँ से अगेन आर डी थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को देख रहे हो यहाँ से ख़त्म कर दिया, और यहाँ से पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया, और ये 2 टाइम्स कट गया। तो मतलब जो डीएम की वैल्यू आ जाएगी, डीएम स्मॉल मास ऑफ द रिंग, तो डीएम की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी एम डैश साइन थीटा और डी थीटा, और डिवाइड कर दूं मैं यहाँ से 2 से। तो फाइनली अगर तुम देखोगे यहाँ से बेसिकली, तो ये जो डीएम है वो क्या है, स्मॉल मास ऑफ रिंग है। दिस इज द स्मॉल मास ऑफ रिंग, तो ये रिंग का मास है ये वाला चीज़, क्लियर है। तो ये रिंग का मास है। तो फाइनली हम रिंग का मास कैलकुलेशन में सक्सेस हो ही गए। तो अब बेसिकली हमें रिंग का मास और ये जो पॉइंट मास यहाँ पर रखा हुआ था, दिस पॉइंट मास इस मालियम, इस पॉइंट मास के बीच इंट्रैक्शन तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना बड़े आराम से। तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू माइनस जी डी एम और ये एम और ओवर ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये एक्स ले लिए थे, तो ये कुछ अब मैं वाई ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस वाई ले लेता हूँ, और ये यहाँ से हर एलिमेंट सेम डिस्टेंस वाई पर है, तो यहाँ से वाई और ये पॉइंट मास वाला वाई फार्मूला लगा, कुछ किया नहीं हूँ बेसिकली, मैं क्या किया हूँ पॉइंट मास वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया हूँ यहाँ से। तो पॉइंट मास वाला अगर मैं फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो अब y की जो वैल्यू है यहाँ से देखो, इस ट्रायंगल में तुम y की वैल्यू देखोगे तो ये पूरा का पूरा r था सेंटर से, इसके o स्फीयर के सेंटर से पॉइंट मास का डिस्टेंस स्मॉल r था, और ये y हो गया, x हो गया, और ये एंगल थीटा हो गया। तो कॉसिन रूल अगर यहाँ पर लगा दोगे तो यहाँ से तुम एक बार देखो, ये ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से तुम देखोगे कि ये यहाँ से जो ट्रायंगल बना है, तो यहाँ से ये वाला जो ट्रायंगल क्रिएट हुआ है इस ट्रायंगल में, तो ये वाली डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस मैं वाई ले लिया हूँ, और ये तो रेडियस आर है। तो यहाँ से जो वाई की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा अंडर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वाई, ये वाई की वैल्यू है, जो कि यहाँ रिंग के हर एक एलिमेंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, दिस इज द एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ द रिंग, ये वाली बात समझ में आ रही है। तो ये, तो यहाँ से अब मैं डीएम और वाई की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, तो फाइनली अब देखो, अगर मैं डीएम और वाई की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, उस चीज़ को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी डी इज इक्वल टू माइनस एम, और डीएम की वैल्यू एम डैश साइन थीटा डी थीटा ऊपर में बचा, और नीचे में बचा 2 टाइम्स वाई की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा अंडर रूट, ये वाला चीज़। तो ये यहाँ से तुम देखोगे बेसिकली, अब ये इस एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं प्रॉपर लिमिट के साथ, तो मेरा प्रॉब्लम डन हो जाएगा, एक सेल का इंट्रैक्शन एनर्जी बड़े आराम से निकल जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो एक सेल का, तो लिमिट थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखो थीटा की जो लिमिट है, अगर थीटा यहाँ पर तुम देखोगे तो थीटा इस लाइन पे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 0 थी, अब हमें तो पूरा सेल चाहिए ना, तो यहाँ पर ये थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू पाई, यहाँ से नहीं समझे, एक बार फिर से ध्यान से सुनो मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनो भाई, ये पूरा इस लाइन पे ये पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर आप यहीं तक कर दोगे तो यार रिंग यहीं तक डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, आधा सेमी सेमी हेमी स्पियर सेल का आ जाएगा, सेमी से जो आधा सेल है उसका आ जाएगा। तो फाइनली मुझे लिमिट जो आएगी वो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू पाई जाएगी। तो चलो, तो ये फाइनली इसमें जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो
ये प्रॉपर लिमिट यहाँ से जब जाएगी तो थीटा इज इक्वल टू जीरो पे जो इंट्रैक्शन एनर्जी थी वो जीरो थी, तो थीटा इज इक्वल टू पाई हुआ, तो जो इंट्रैक्शन एनर्जी हुआ वो यू डैश मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना, यू1 हो गया, एक सेल का यू1 हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को भी तो सॉल्व करना हम लोगों को, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए चलो मैं एक बार आपके लिए कर देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड लगाया जाए, सोचो भाई, मैथमेटिक्स तुम लोग भी पढ़ते हो, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ। तो अगर मैं इस पूरे को वाई स्क्वायर की वैल्यू रखूँ, इधर तो बचेगा यू1 पहले सेल की पोटेंशियल एनर्जी, और इधर बचेगा माइनस एम डैश स्मॉल एम, और यहाँ से इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, और ये वाली जो वैल्यू आ रही है 2 भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू पाई, और एक कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर, और ये कॉस थीटा अंडर रूट ये चला जाएगा। तो अगर तुम देखोगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं वाई स्क्वायर के इक्वेट कर दूँ, पुट कर दूँ इसमें, कि आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर के इक्वल है यार। तो अगर यहाँ से तुम वाई स्क्वायर की वैल्यू के बराबर पुट कर दोगे तो उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लो, तो डेरिवेटिव लो 0 + 0 और माइनस कैपिटल आर स्मॉल कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और ये प्लस हो जाएगा, और डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी वाई दैट इज 2 y। यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, यहाँ से टू आता है, टू यहाँ पे मेरा छूट जा रहा है, तो टू यहाँ वेरिएबल टू था, तो ये टू यहाँ पर था यार, तो टू आता, तो यहाँ से तुम देखोगे तो टू यहाँ बच गया, तो इस टू ने इस टू को ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर कैपिटल आर साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, डी थीटा की वैल्यू, वो वाई डी वाई के इक्वल आ जाएगी ये वाली। तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें मैं रख देता हूँ। तो अगर मैं इसमें रखता हूँ तो ये इंटीग्रल पूरा कैसा दिखेगा मुझे, और लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो फाइनली थोड़ा सा देखोगे तो यू1 इज इक्वल टू माइनस जी एम डैश एम नॉट और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से इंटीग्रल लिमिट चेंज हो जाएगी यहाँ से, तो वाई डी वाई ऊपर में देखोगे, ध्यान देना यहाँ से, तो साइन थीटा डी थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा डी की जो वैल्यू है, यहाँ से साइन थीटा डी थीटा की जो वैल्यू है वाई डी वाई अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर और यह आ जाएगा वाई डी वाई ये यहाँ से। तो बेसिकली अगर इसमें तुम रखोगे तो यहाँ से आर डी वाई है, और वाई का हाँ रूट के अंडर वाई स्क्वायर रखोगे तो ये वाई आ जाएगा फाइनली। और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ऊपर जाओ देखो, वाई की लिमिट जा रही है, यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो है, दिस पॉइंट एट वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये जो वाई है अब यहाँ से यहाँ पर वाई की वैल्यू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, और यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है जो ये है मिनिमम है, यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर वाई की वैल्यू मिनिमम है, और स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और यहाँ पे स्मॉल आर प्लस आर कैपिटल आर के इक्वल आ जाएगा। तो वाई की जो लिमिट है वो लोअर लिमिट स्मॉल प्लस स्मॉल आर टू कैपिटल आर, और अपर लिमिट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी यू डैश की वैल्यू है वो कितनी दिखेगी, तो यू डैश की वैल्यू माइनस जी एम डैश स्मॉल एम ओवर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ से वाई ने वाई को ख़त्म कर दिया, तो ये वाई इंटीग्रेट होके हो गया, और स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल प्लस कैपिटल आर के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से तुम जब रखोगे तो माइनस जी मास एम एम डैश इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ये यहाँ से कट गया। तो फाइनली तुम देखोगे 2 कैपिटल आर यहाँ बच गया, तो माइनस जी एम डैश स्मॉल एम,
और टू कैपिटल आर यहाँ बच गया, तो आर आर खत्म हो गया और टू भी खत्म हो गया, स्मॉल आर के इक्वल है पोटेंशियल ई वन। तो देख रहे हो ये, हाँ रेडियस, हाँ रेडियस ऑफ सेल पे इंडिपेंडेंट है, रेडियस ऑफ सेल इंडिपेंडेंट है, तो ये रेडियस ऑफ सेल डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड है स्मॉल आर, सेंट्रल से पॉइंट मास कितना दूर है ये, तो ये एक सेल का आ गया। तो इस तरह से एस्पियर, फॉर सॉलिड एस्पियर अगर देखोगे, सॉलिड एस्पियर का, तो सॉलिड एस्पियर का देखोगे तो ऐसे कलेक्ट कर लो यू, ठीक है, यू वन को ऐसे जोड़ दोगे तो माइनस जी एम स्मॉल आर कॉमन आ गया जो कि कॉन्स्टेंट है, और एम डैश क्या था, एम डैश एक सेल का मास था, तो एक सेल का मास जोड़ोगे तो पूरे से ये स्मॉल एम था, तो पूरे सेल का मास आ जाएगा, तो फाइनली ये स्मॉल एम था, तो फाइनली जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस जी मास ऑफ द टोटल स्मॉल एम ओवर आर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द सेल सॉलिड एस्पियर एंड पॉइंट मास। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप बेहतर तरीके से चेक कर लो, नोट्स बना लो, और मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दिया। और इसी का जो दूसरा पार्ट है ये कहता है कि जब तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो अब हमें फोर्स निकालना है, तो इस सॉलिड एस्पियर और पॉइंट मास के बीच जो फोर्स है वो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो फोर्स की जो वैल्यू है, हाँ दूसरा जो पॉइंट है फोर्स, तो इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो देखो, अगर एक सॉलिड एस्पियर है और ये सेंट्रल डिस्टेंस, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम आर है, तो इनमें जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम स्मॉल एम ओवर आर है, तो जो फोर्स होता है वो माइनस डी ओवर डी आर होता है भाई, तो माइनस डी ओवर डी आर और यहाँ से जी एम स्मॉल एम ओवर आर इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो माइनस जी एम कॉमन आ गया स्मॉल एम, और डी ओवर डी आर की वैल्यू आर की पावर माइनस वन, तो माइनस वन माइनस जी एम स्मॉल एम और यहाँ से माइनस वन और आर की पावर माइनस टू, मतलब ये आ जाएगा प्लस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, दिस इज द इंट्रैक्शन फोर्स। तो ये इंट्रैक्शन फोर्स है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आप ग्रेविटेशन न्यू गॉस थियरम इन ग्रेविटेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट पॉइंट बना के भी कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन करने का मज़ा ही कुछ अलग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।